पंजाब उद्योग के लिए एक बार फिर जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि लुधियाना की प्रख्यात ऑक्टोजीरियन बिजनेसवुमन पद्मश्री श्रीमती रजनी बेक्टर को पंजाब सरकार द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के संरक्षण में पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री गुरकीरत सिंह ने पंजाब इन्फोटेक के चेयरमैन हरप्रीत संधु के साथ आज यहां लुधियाना स्थित उनके आवास पर रजनी बेक्टर को प्रमाण पत्र सौंपा। गुरकीरत सिंह ने रजनी बेक्टर को एक फुलकारी भी भेंट की, जो पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। रजनी बेक्टर को सम्मानित करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने न केवल पंजाब राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि राज्य में उद्योग को अगले स्तर तक ले जाने के उनके अथक प्रयासों की हमेशा सराहना की जाएगी। मंत्री ने कहा, आप हर युवा उद्यमी के लिए एक आदर्श हैं और हम चाहते हैं कि आप बड़े लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहें। रजनी बेक्टर को हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा व्यापार, उद्योग और महिला सशक्तिकरण के प्रचार और सतत विकास के लिए ये समर्पित प्रयासों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरकीरत सिंह का आभार व्यक्त करते हुए रजनी बेक्टर ने कहा कि उन्होंने हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम किया है, जिससे उन्हें सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिली है। मैं बड़ा मुद्दा मानसी पर आज पंजाब गवर्नमेंट वालों मनो इंडस्ट्री मिनिस्टर आए है और मैंने मान सकता है तो नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ और मैं ये बच्चे मैं कोई शुक्रिया किन्ना करा उधर करता साढ़े वास्ते बहुत बहुत है। चाहते हैं कि पंजाब के इंडस्ट्री खूब उपर न जाए और सारिया इंडस्ट्रियां बहुत उपर न जान और सारा तरह फैलन, यही जी सा मनोकामना है। असं पंजाब वासी हाँ तो पंजाबी हाँ तो पंजाबी ही पंजाब का ही उपर जाना चाहता है। आज पंजाब सरकार वालों जो श्रीमती रजनी बेक्टर जी इन्हों पद्म श्री अवार्ड राष्ट्रपति जी ने दिता है, आज इतने उन्होंने मुबारकबाद देने पंजाब सरकार वालों बतौर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर मैं इतने आया और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हों की इंडस्ट्री और पंजाब की इकोनमी है। सो इस करके पंजाब सरकार इन्हों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने रेकोगनाइज़ करती है और वो अज अं विशेष तौर पर इतने इन्हों ग्रह विखे इन्हों मुबारकबाद देने आए हैं। लुधियाना से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट।